हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानी मेरी जुबानी में। दोस्तों, सजा पाने के लिए कथा की जरूरत नहीं होती, वरना जन्म से पहले कौन कथा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं कि जो कथा करता है उसको उसकी सजा जरूर मिलती है, मगर क्या कोई इंसान जन्म से पहले भी कथा कर सकता है? मैं यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जिंदगी ने मेरे जन्म लेने के बाद से ही इम्तिहान लेना शुरू कर दिया था, और उसी की वजह से मेरी जिंदगी मुझे सजा लगने लगी थी। गुलशन फूलों से भरा था, मस्त हवाओं का झोंका था। गुलशन फूलों से भरा था, मस्त हवाओं का झोंका था। मैं दीवानों सा चला उसे समेटने, मगर सब कुछ मुरझा गया। बाद में पता चला कि मेरा ही नाम पतझड़ था। दोस्तों, कभी कभी इंसान के साथ ऐसा ही होता है कि वह गुलशन यानी सफलता के सपने देखता है, मगर जब वह उन्हें साकार करने का प्रयास करता है तब वह पतझड़ में तब्दील हो जाता है। कहते हैं कि कमल का फूल हमेशा कीचड़ में खिलता है। शायद इसी कहावत को सार्थक करने के लिए भगवान ने मुझे एक गरीब परिवार में जन्म लेने के लिए भेजा, मगर मेरे नसीब में उन्होंने कीचड़ यानी तकलीफ तो लिख दिया, मगर खिलना यानी सफलता लिखना भूल गए। कहते हैं कि मौत से भी खतरनाक होता है इंतजार। कहते हैं कि मौत से भी खतरनाक होता है इंतजार, और मेरी तो तमाम उम्र सफलता के इंतजार में गुजर गई। मेरी इस सफलता की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं बहुत कम शब्दों में अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहीं से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। दोस्तों, मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। मेरे पिताजी के दो भाई और दो बहनें थी। उस समय गांव में चल रही अदला बदली की प्रथा अनुसार मेरे पिताजी की शादी मेरे मामा की बहन यानी मेरी माँ और मेरी मौसी के साथ, और बुआ की शादी मेरे मामाओं के साथ कर दी जाती थी। हमारी ज्यादा खेती नहीं होने की वजह से दूसरों के खेतों में काम करके हम अपना पेट भर पा रहे थे। मेरे पिताजी बचपन से ही बोल तथा सुन नहीं पाते थे। कुछ दिन पहले ही जिंदगी ने मुझे और एक तमाचा मारा था। कुछ दिनों पहले ही भगवान ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया, और उसके 15-20 दिनों बाद ही पिताजी का भी साया मेरे सिर से उड़ गया था। लाख कोशिशों के बाद भी मैं अपनी लाडली बेटी और अपने पिताजी को नहीं बचा पाया था। यह कहानी भी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शुरुआत क्या थी। तो दोस्तों, बचपन से ही पिताजी बोल और सुन नहीं पाते थे, लेकिन घर में सबसे बड़े होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। कुछ दिनों बाद खेत में काम करते समय सांप के काटने से मेरी मंजली मौसी का देहांत हो जाता है। इस वजह से मेरे मंजले चाचा की दूसरी शादी कर दी गई। 2-4 साल के बाद पारिवारिक समस्या के कारण मेरे मंजले चाचा अलग रहने लगे। उसके बाद जिंदगी कुछ दिनों तक तो अच्छी चली, लेकिन उसके बाद अचानक हमारी खुशियों भरी जिंदगी में दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। यही हमारी जिंदगी का एक अनपेक्षित मोड़ था, जिसने हमें एक अलग मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद यह हादसा हमारे साथ नहीं होता तो शायद
मैं इस मकाम पर नहीं पहुंच पाता जहां मैं आज खड़ा हूं। दोस्तों, हादसा यह था कि मेरे पिताजी ने खेत में बहुत मेहनत की थी, जिसकी वजह से खेत के मामले में कोई दूसरा अगर दखल अंदाज करे या दखल दे तो यह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसी की वजह से बाजवाले खेत मालिक से मेरे पिताजी का झगड़ा हो जाता है और वह आदमी मेरे पिताजी को लकड़ी से मार देता है। उसके बाद से मेरे पिताजी कभी भी काम नहीं कर पाए। उस आदमी ने उस लकड़ी से जो मारा था उसके पीछे का कुछ कारण था, जो कारण मैं आपको यहाँ पर नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन कुछ कारण था जिसकी वजह से मेरे पिताजी उसके बाद से काम नहीं कर पाए। हालांकि उस समय हम तीनों भाई वहीं पर थे, लेकिन हम बहुत छोटे होने की वजह से पिताजी को मार खाते देखने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब पिताजी के काम न करने की वजह से सारी जिम्मेदारी छोटे चाचा और माँ पर आ गई थी। यह सब हो जाने के कारण माँ बहुत परेशान रहने लगी। हमारी देखभाल व घर के कामों की वजह से वह बहुत थक जाती थी। पिताजी के काम न करने के कारण हमारे ऊपर भी काम का बोझ अधिक बढ़ गया था। काम और जिम्मेदारी के कारण हमारा खेलना भी बंद हो गया था। घर के हालातों ने हमें अंदर और बाहर से इतना जकड़ लिया था कि हमेशा हम सहमे सहमे से रहने लगे थे। यहाँ तक कि हमें स्कूल जाने के लिए भी समय नहीं मिलता था। कभी कभी जब हम माँ से पैसे मांगते तो वे हमें पैसे नहीं दे पाती थी। वह खुद तो परेशान रहती थी, मगर कभी कभी हमारे गैर जिम्मेदारान हरकतों के कारण घर के बाकी लोग मेरी माँ को ही चिल्लाते रहते थे। हमारा घर पुराना और जर्जर हो गया था, इसी वजह से हमें नए घर की आवश्यकता थी। और घर में काम करने वालों की कमी होने के कारण मुझे और मेरे बड़े भाई को काम करने के लिए घर पर रुकना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। घर के लोगों को लगने लगा कि हमारी वजह से बाकी लोग भूखे रहते, इसलिए मेरी दादी माँ ने हमें अलग रहने को कहा और कुछ दिनों के बाद हमें अलग भी कर दिया। अब सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर ही आ गई थी। अगर अपनी खेती होती तो खेती करके पेट भर सकते थे, मगर हमारी खेती भी ना के बराबर थी। अब मेरी माँ के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया था। दादी माँ ने अलग होते समय कुछ दिनों के लिए चावल और खाना बनाने के लिए 2-4 बर्तन दिए थे। जब तक हमारे पास अनाज था तब तक तो ठीक था, मगर बाद में समस्याएं आने लगी। जब चावल समाप्त हो गया तब मेरी माँ मेरे मामा जी के घर से कुछ चावल लेकर आई, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे मामा जी ने मेरी माँ से कहा कि मोहन को मेरे घर में रहने दे, मेरे घर में रहेगा, मेरे घर में खाएगा और मेरे घर में काम करेगा। तब मेरी माँ के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं होने की वजह से मेरी माँ ने हामी भर दी। हालांकि मेरे मामा जी मेरे ही गांव में रहते थे, खेती के काम के लिए माँ भी उन्हीं के घर जाती थी। तब उनके घर जाने के बाद मेरा स्कूल जाना बंद हो गया। मामा जी के मेरी हम उम्र 2 बेटे थे, मगर वे स्कूल जाने के कारण मुझे ही मामा जी के साथ सुबह उठकर खेत जाना पड़ता था। हालांकि उनके बेटे भी काम करने आते थे, परंतु स्कूल का टाइम होते ही वे चले जाते थे। उन्हें जब मैं स्कूल जाते देखता था तो मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना था। उस समय समझदारी नहीं होने के कारण कभी मुझे अपने माँ बाप पर गुस्सा आता था तो कभी अपनी गरीबी और अपनी परिस्थितियों को देखकर तरस आता था। जब परीक्षा पास आने लगी तब जाकर मुझे स्कूल जाने को मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
पूरे साल भर की पढ़ाई केवल कुछ दिन में पूरा करना था। मैंने किया भी, लेकिन जिस दिन मेरा निकाल यानी जिस दिन मेरा रिजल्ट आने वाला था, उस दिन जब मैं स्कूल गया तो पता चला कि मैं फेल हो चुका हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई पर पूरा भरोसा था कि मैं नापास नहीं हो सकता, इसलिए जब मैं अपनी अध्यापक से पूछने गया तो वहां मुझे पता चला कि मैं स्कूल में बहुत दिनों तक अनुपस्थित होने की वजह से मुझे नापास कर दिया गया है। घर आने के बाद जब मैंने माँ को बताया तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, मगर चेहरे की मायूसी ने सब कुछ जाहिर कर दिया था। मैंने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। उसके बाद मुझे एक साल फिर से उसी कक्षा में पढ़ना पड़ा। अब मैं काम और पढ़ाई दोनों साथ ही करने लगा। माँ मामा जी के घर काम करती थी, उसका मुआवजा मिलता था, मगर उतने से घर नहीं चल पाता था। इसलिए माँ ने नागपुर जाकर कमाने का निर्णय लिया, क्योंकि हम गांव में रहते थे और गांव में रोजगार नहीं मिलता। इसकी वजह से मेरी माँ ने नागपुर जाने का निर्णय लिया और हमें बोली कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो मामा जी के घर से ले लेना, मैं आने के बाद उनका हिसाब कर दूंगी। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मेरी माँ हमें छोड़कर नागपुर कमाने के लिए गई और उस समय में हम लोगों को कितना दुख हुआ और अपने कलेजे के टुकड़ों को छोड़कर इस तरह से जाते समय मेरी माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, इसका उदाहरण मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। शीशा बना के तोड़ा हमें, जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को तोड़ा सीने।